नूडल सैंडविच, और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले हम वो देख लेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। और दो नूडल के पैकेट लिए हैं, पानी लिया है, और जो चाय जिसमें हम पीते हैं वो वाला कप लिया है। नूडल के मसाले में जो है नमक ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं जो इसका मसाला है वो दो पैकेट है, तो मैं एक पैकेट इसमें ऐड करूँगी। एक से दो मिनट इसको मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ करेंगे जी। तो तमाम स्लाइस को मैंने सेक लिया है इस तरह से, और स्प्रेड करेंगे यानी फैला देंगे। नूडल सैंडविच जो कि तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बी एल आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बनाऊंगी नूडल सैंडविच, और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले हम वो देख लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और बहुत ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से ये बनती है और डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। जी, नूडल सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ स्लाइस दिए हैं और दो नूडल के पैकेट लिए हैं, और मेरे पास नूडल ये 20-20 वाले दो पैकेट हैं। आप चाहें तो एक पैकेट 40 वाला ऐड कर सकते हैं, तो चार मैंने स्लाइस लिए हैं, तो उसके लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल है। और जो नूडल का पैकेट होते हैं वो जैसे 2 20-20 वाले हमारे पास नूडल पैकेट हैं, तो उसमें दो पैकेट होते हैं, तो लेकिन हम एक ऐड करेंगे क्योंकि इसमें नमक तेज़ होता है मसाले में, तो एक मैं मसाले का पैकेट ऐड करूँगी। जी, मैंने 1.25 कप पानी लिया है, और जो चाय जिसमें हम पीते हैं वो वाला कप लिया है, और उसमें हम डाल देंगे नूडल, और नूडल को हम इसमें बना लेंगे। और जो नूडल जो हमने पैकेट लिए हैं वो 20 वाले दो पैकेट हैं 20-20 के, और इसमें हम जो मसाला आता है वो एक पैकेट डालेंगे, क्योंकि नूडल के मसाले में जो है नमक ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इसमें पैकेट तो दो डाल रही हूँ, लेकिन जो इसका मसाला है वो दो पैकेट हैं, तो मैं एक पैकेट इसमें ऐड करूँगी। जी, नूडल तैयार होने पर है, पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो इसमें मैं मसाला ऐड कर रही हूँ एक पैकेट, और इसको हम मिक्स करेंगे। जी, स्पेक्टी का मसाला हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पहले इसको थोड़ी देर इसमें हल्का सा 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ करेंगे। जी, तो ये बिल्कुल तैयार है, इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे देसी घी 1 टीस्पून, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, एक पैन लेंगे, इसमें हमने हल्का सा देसी घी जो है वो लगाना है, और स्लाइस को हमने जो है वो सेक लेना है। देसी घी से फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है। जी, तो तमाम स्लाइस को मैंने सेक लिया है इस तरह से, मैंने एक स्लाइस लिया है, इस पर हम डालेंगे नूडल जो हमने बनाए हैं, और स्प्रेड करेंगे यानी फैला देंगे। जी, इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया यानी फैला दिया है नूडल को, और इस पर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे, और चाहें तो आप दरमियान में से कट भी कर सकते हैं, और इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है नूडल सैंडविच जो कि तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बी एल आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्ती यूनिक सी ये रेसिपी है, और बहुत ही डिफरेंट ये सैंडविच हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बी एल आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।